कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सर जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो कि राशन की सुविधाएं देनी है, जो प्रशासन द्वारा जो सहायता दी जा रही है जरूरतमंदों को, गरीब लोगों को, तो किस प्रकार से जो है दी जाएगी? हाल ही में जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि जो 3 महीने का राशन है वो 1-1 महीने में दिया जाएगा। जिया जो है नया पास हुआ था, अप्रैल महीने का जो है राशन आया था, अब आगे के 2 महीने का राशन किस तरीके से रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कई लोगों को जो है राशन कार्ड होने के बाद भी जो है उनका जो लिंक नहीं हुआ है आधार के साथ, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए किस तरीके की प्रक्रिया है? और साथ ही साथ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए क्या उपयोजनाएं जो है सरकार द्वारा की जा रही है, या फिर जिनका आधार से लिंक नहीं है उनके लिए क्या उपयोजनाएं जो है सरकार द्वारा की जा रही है? देखो, राशन कार्ड 2 टाइप के हैं। ऑरेंज कार्ड में 2 टाइप आता है। 1 टाइप आता है जिनका ऑनलाइन आधार सीडिंग हुआ है, जिनके राशन कार्ड में आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स या गैस डिटेल्स लिंक हुआ है, वो लोगों को ऑनलाइन उनका 2 डिजिट नंबर आया है, उन्हीं लोगों के लिए ये राशन अभी आया है दुकानों में। जिनका और वो जो लिंक के कराए गए कार्ड, उनकी जिनका एनुअल इनकम 59,000 से कम था, वो लोगों का लिंक करने का काम 3-4 सालों से चालू है। जिनको ज़रूरत थी रेशन की, वो लोगों ने आके अपना अपना रेशन कार्ड पे आधार कार्ड जमा करके ऑनलाइन नंबर लेके वो अपना हर महीना रेशन लेती है। वही रेशन कार्ड का राशन अभी ये महीने में अप्रैल, मई, जून तीनों भी महीने में वो माल आया है। और इसके अलावा वो लोगों को हर महीना 5 किलो पर पर्सन फ्री चावल मिलने वाला है। और रही बात जिनके जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, वो लोगों का हम लोग आधार कार्ड, बैंक पासबुक का जेरोक्स और गैस कंज्यूमर बुक का जेरोक्स लेके उनका आधार लिंक करने का काम चालू है हमारा। लेकिन वो अभी ये महीने में भी लिंक करेंगे तो भी उनका नंबर ऑनलाइन दिखेगा अगले महीने में। अगले महीने से उनको फिर रेगुलर उनका हर महीना रेशन चालू हो जाएगा। और जिनका एनुअल इनकम 60,000 से 1 लाख तक है, उनके लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा अगले महीने में मई और जून में दोनों महीने में उनके लिए राशन का कोटा दिया है, लेकिन अप्रैल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। और जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है उनके लिए अभी तक अपने पास कोई भी सूचना आया नहीं है। सर, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो है राशन आ चुकी है, राशन दुकानों में जो है लोगों को वितरण भी किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों से ये शिकायत आती है कि राशन में पर्याप्त जो है राशन मिला पहुंचा नहीं है, लोगों को मिल नहीं पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो है छोटी मोटी चीज़ें इस तरीके से सामने आ रही कि भ्रष्टाचार कह सकते हैं कि जो लोगों तक राशन नहीं पहुँच पा रहा है। अगर ऐसी राशन की दुकानों में अगर ऐसी गतिविधियाँ चल रही है तो उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये जानना चाहेंगे। देखो, अभी अपने इधर उल्लासनगर 1, 2, 3 और मारणगांव, ये ऑफिस के अंडर ये एरिया आता है। ये एरिया में 106 रेशन की दुकान है। 106 में से 104 दुकानों में फ्री का चावल पहुंच गया है, 2 दुकानों में आज पहुंच जाएगा। अपना टोटल 106 दुकानों में कम से कम 50-60% माल आया है। और वो बांटना भी अपना 12 तारीख से चालू है वो बांटना। और अगर किसी दुकानों में अगर किसी को राशन 12 डिजिट नंबर होते हुए भी अगर नहीं मिलता है या कुछ गड़बड़ी वो करते हैं वो दुकानदार, तो ऐसा अगर किसी का कंप्लेंट आता है तो दुकानदार पे हम लोग एक्शन ले लेंगे। सर, किसी तरीके से कोई हेल्पलाइन नंबर, ताकि लोग जो है इस प्रक्रिया को और आसानी से जान सके, किसी तरीके से कोई सहायता के लिए कुछ नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कोई सुविधा होगी? देखो, ये मेरा जो नंबर है मोबाइल नंबर, ये पूरा उल्लासनगर में 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक, भले वो एरिया मेरे पास नहीं है 4-5 का, फिर भी 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक मेरा मोबाइल नंबर पब्लिश हुआ है। सब जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, रेशन कार्ड के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।